अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 9, सब्जेक्ट मैथ्स, यूनिट 5, फैक्टराइजेशन। हेयर इज एक्सरसाइज 5.4 एंड आई एम योर मैथ्स टीचर अमरीन कुरैशी। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज 137 एंड दिस इज एक्सरसाइज 5.4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इससे पहले हम जो एक्सरसाइज 5.1, 2, 3 कर लिया हमने, वो भी फैक्टराइजेशन से था, बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब आपके पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये भी फैक्टराइजेशन ही है, बट यहाँ पे अब टाइप डिफरेंट है। हेयर वी हैव टू सॉल्व टाइप 4। Open your notebooks and you have to write first of all exercise 5.4, then page number, this is type 4. ये है आपके पास type 4. ax square plus bx plus c into ax square plus bx plus d प्लस के, यानी के मीन एनी कॉन्स्टेंट। यानी टाइप 4 में वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स, बट जो फर्स्ट है आपके पास वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, इसमें फर्स्ट टू टर्म्स सेम होंगे, लास्ट में आपके पास सी और डी एनी कॉन्स्टेंट और प्लस के एनी कॉन्स्टेंट, यानी दो फैक्टर्स और प्लस के, बेसिकली वी हैव टू टर्म्स। आपके पास टाइप 4 में जो फर्स्ट पार्ट है यानी ए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हैं एग्जांपल्स में 14 एंड 15, वाइल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस टाइप से रिलेटेड हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हेयर वी आर गिवन अ क्वेश्चन, 4x square minus 16x plus 7 into 4x square minus 16x plus 15 plus 16. तो ये अब आप अगर इसको इस टाइप से कंपेयर करें बच्चे, तो ये आपके पास टू ब्रैकेट्स भी हैं। फर्स्ट जो टर्म है आपके पास, फर्स्ट टू टर्म्स दोनों ब्रैकेट में सेम है, उसके बाद कांस्टेंट और प्लस 16। इसका मतलब है वो जो टाइप 4 में फर्स्ट ए पार्ट है ये उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 और 2 बोथ आर रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए अब सॉल्व करूँ। आफ्टर राइटिंग द सोल्यूशन, सबसे पहले आपने ये करना है कि क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। 4x square minus 16x plus 7 into 4x square minus 16x plus 15 and plus 16। यहाँ से जब जो फर्स्ट टू टर्म्स सेम हैं, सो कंसिडर 4x square माइनस 16x इज इक्वल्स टू वाई, यानी अदर देन एक्स कोई भी लेटर आप इसमें सपोज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट द गिवन, जो आपके पास एक्सप्रेशन है इट कुड बी रिटन एज, ये जो 4x स्क्वायर माइनस 16 है ये किसके इक्वल सपोज कर लिया, वाई, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लिखें, फिर प्लस, क्योंकि ये हो गया वाई, ये प्लस 7 इंटू इसको क्या कंसिडर किया है, वाई, प्लस 15 और प्लस 16। बाकी टर्म्स आपने इसी तरह से लिखने हैं। अब आपके पास क्या है, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई इंटू वाई प्लस 15। यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट का वाई लिया और सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 वाई प्लस 15 और ये हो जाएगा प्लस 16। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट में आपके पास इन ब्रैकेट्स को और सिंप्लीफाई करना है, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर 15y 7y एंड 15 इंटू 7 105 प्लस 16। लाइक टर्म्स को ऐड कर लेना है आपने, तो आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर 15 प्लस 7 32y प्लस 105 एंड प्लस 15 प्लस 7 22y प्लस, अब y स्क्वायर 22y प्लस 121, 105 प्लस 16 121। इसको अब आप फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइजेशन में आप डिफरेंट टाइप्स कर चुके हैं बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 11 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए में आप लिख लें वाई और यहाँ 7, तो इट बिकम्स वाई प्लस 11 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू
y plus 11 into y plus 11. Now putting back the value of y, which is 4x square minus 16x. अब इसको y की place पे दोबारा put करेंगे तो it becomes 4x square minus 16x. y की place पे ये लिखा और plus 11. और second bracket में भी 4x square minus 16x and plus 11. And this is the factorized form of the given expression. Hence, this is our answer. Students, I hope आपको ये clear हो गया होगा. Now, अब आपने example 14, 15 and question number 2 copies में करना है और इसकी भी practice करनी है. अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्सरसाइज 5.4 में हमारे पास टाइप 4 के 3 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट अब आपने कर लिया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जांपल 14, 15 थे. अब हमारे पास है टाइप 4 ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है. यानी यहाँ क्या गिवन है आपको, हेयर वी आर गिवन 1, 2, 3, 4, फोर फैक्टर्स गिवन है. यानी x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी इंटू x प्लस डी और प्लस k, यानी एनी कांस्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, इनमें रिलेटेड आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं और रिव्यू का क्वेश्चन 5 और एग्जांपल 16. यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए कर रही हूँ, आप देख लें कि हाउ टू सॉल्व दिस. This is question number 3 of your exercise. Here we are given 4 brackets in product form, yani 4 factors hain, but aur aakhir mein hai minus 9. To sabse pehle aapne ye karna hai ki question ko repeat kar lena. X plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 minus 9. इसके बाद बच्चे आपके पास चूँकि यू हैव फोर ब्रैकेट्स एट द सेम टाइम, आप इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करते, एनी टू को करना है मल्टीप्लाई. तो उसके लिए यू आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास वो क्या है. मतलब ये कि 2, ये जो कांस्टेंट 2 है और यहाँ पे 4, 2 और 4 दोनों के साथ प्लस साइन है. 2 प्लस 4 6 होता है और 6 प्लस 8 14. तो इसका मतलब आप इनको ग्रुप्स में नहीं कर सकते. ग्रुप्स में करने के लिए ज़रूरी है कि जो कांस्टेंट का सम है दो ग्रुप्स में सेम आ जाए. जैसे कि 2 प्लस 6 होता है 8 और 4 प्लस 8 होता है 12. ये भी पॉसिबल नहीं है. लेकिन 2 को जब आप 8 से प्लस करें तो क्या आता है आंसर, 10. और 4 को 6 से प्लस करें तो भी 10 आता है. यानी आप यूँ लिखेंगे, सिंस 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 10. ये देखें, 2 प्लस 8 10, 4 प्लस 6 भी 10 है. तो ये सिर्फ हिंट है कि आपने किन दो फैक्टर्स को एक ग्रुप में करना है. जैसे कि यहाँ 2 और 8 है तो x प्लस 2 और x प्लस 8 इनको एक ग्रुप बना दें. इनटू बी, रिमेंबर कि इन दोनों ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं है. इसी तरह से आपके पास क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 6 और इनको एक ग्रुप और माइनस 9 ज़रूर लिखना है. अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है. तो x इंटू एक्स प्लस 8 और प्लस के बाद है 2 इंटू एक्स प्लस 8, ये हो गया. इसी तरह से x इंटू एक्स प्लस 6, 4 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 9 आ जाएगा एक्स स्क्वायर 8x, 2x, 2x आर 16, एक्स स्क्वायर इंटू 6x, 4x एंड 4x इज 24 माइनस 9. अब आपके पास इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो है 8x एंड 2x, इट बिकम्स 10x और 16. इसी तरह से लिखना है, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 24 माइनस 9. यहाँ देखें, अभी आपके पास वो जो हमने के टाइप 4 में फर्स्ट आपके पास केस किया तो वो बिल्कुल उसकी तरह आ गया. यानी फर्स्ट टू टर्म सेम है तो इसके बाद आपने उसी को कंटिन्यू करना है. यानी लेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू वाई, देन वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x वी हैव टू राइट वाई प्लस 16 y plus 24 minus 9. By multiplying these two brackets, we get y into y plus 24 plus 16 y plus 24. आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे. हियर वी हैव y square plus 24 y plus 16 y and plus 24 into 16.
384 माइनस 9। यहाँ जो लाइक टर्म्स हैं वो आप देख लें, प्लस 24y एंड 16y, इट बिकम्स, ये आपको प्लस करके क्या मिलेगा, 40y, और ये जो 384 है और माइनस 9, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 384 माइनस 9 वी गेट 375। अब यहाँ पे आपने इसको फैक्टराइज करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है बट दिस इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ सम एंड प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ होगा। बच्चे जब आपके पास ये नंबर 375, जैसे कि काफ़ी बड़ा नंबर है, आप ऑरली ऐसा टेबल नहीं आता, तो आप इसके लिए फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी आपने 375 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस, आप इसके प्राइम फैक्टर देख सकते हैं, यानी आप इसको फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा आपके पास 57 is 35, 55 is 25, 515 is 75, 53 is 15 and 31 is 3। ये आपके 375 के फोर फैक्टर्स हैं। इन फोर फैक्टर्स को आपने ऐसे, क्योंकि 40y जो है ये इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट अप करना है ना, तो इसको टू पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट अप करें कि रिजल्टिंग जो है प्रोडक्ट तो आपको पता ही यही आएगा, लेकिन उनका एडिशन 40 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 375 और प्लस करें तो 40। ये सम एंड प्रोडक्ट मेथड है जो आप ऑलरेडी यूनिट पीछे सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 5.3 में, लेकिन यहाँ अब आपको इसको अप्लाई करना था। तो ये देखें 375 के ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स, ये फोर फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको टू पार्ट्स में इसको स्प्लिट अप करना है, सो इनके भी टू पार्ट्स करते हैं। तो 53 इज 15, 55 इज 25 एंड 25 प्लस 15 क्या होता है, 40। मींस कि आप यूँ लिख सकते हैं कि 25y प्लस 15y प्लस 375, यानी 25 प्लस 15 40, 25 इंटू 15 वी गेट 375। Now we take y common, y plus 25, 15 is common, y plus 25, it becomes y plus 25, क्योंकि हमें y plus 25 common ले लिया, y plus 15। Now putting the value of y, अब y की value जो है वो आपने वापस put करनी है, putting the value of y, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, y की value क्या है, x square plus 10x प्लस 25। y नहीं लिखना, y की ये वाली वैल्यू लिख ली आपने, और x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 एंड दिस इज़ अवर आंसर। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये देखें यहाँ आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 एंड प्लस 1। यहाँ आपके पास 1, 2, 3, 4, फोर फैक्टर्स गिवन है। ग्रुप्स में किन दो को करेंगे, तो x और x प्लस 3 एक ग्रुप कर लें, x प्लस 1 और x प्लस 2 को एक ग्रुप में कर लें, और बाकी क्वेश्चन आपने इसी तरह से करना है। शुरू के स्टेप्स देख लें कि आप इसको कैसे ग्रुप्स में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने ऐसे कांस्टेंट लेने हैं जो आपको सेम आंसर दें, तो देखें सिंस यहाँ कुछ नहीं तो ज़ीरो कंसिडर कर लेना, तो ज़ीरो प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 2, द रिज़ल्ट इज़ 3, सो वी कैन राइट देयर फोर एक्स इंटू एक्स प्लस 3, इनको एक ग्रुप कर दें, एंड x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इनको एक ग्रुप और प्लस 1 साथ में लिख लें। इससे क्या होगा, x को आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर इंटू 3x, ये इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर सम एंड प्रोडक्ट वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी एक फार्मूला है कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म सेम हो, यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो ये जो कॉन्स्टेंट हैं हम इनको इनके साइन के साथ और x लिख सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू 2, दिस इज ऑल्सो अ फार्मूला विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लास, लेकिन हम चूँकि इसको वो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं x को इस ब्रैकेट से 1 को, तो ज़्यादातर वही मेथड किया जाता है, बट दिस इज ऑल्सो अ फार्मूला। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 1। ये देखें आपके पास ये फर्स्ट टू टर्म्स ये सेम है, सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू y, सो वी कैन राइट y, इसको y ही लिखेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट है y, इसके लिए y प्लस 2 प्लस 1। अब y को आप मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर 2x प्लस 1, सॉरी 2y,
y को मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो ये आपके पास फार्मूला है y प्लस वन होल स्क्वायर एंड वी कैन राइट y प्लस वन इन टू वाई प्लस वन बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y विच इज x स्क्वायर प्लस 3x. सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इन टू x square plus 3x plus 1 and this is our answer. Students, I hope आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आपने ज़रूर इनको अपनी कॉपीज में करना है, नॉट ओनली योर कॉपीज बल्कि रफ रजिस्टर्स में भी इनकी प्रैक्टिस करें. और इसके अलावा एग्जाम्पल जो है रिलेटेड इसके साथ, दिस इज एग्ज़ाम्पल नंबर 16, वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, मैंने और जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा कि आपके पास एक टाइप फोर हैज़ थ्री पार्ट्स ए बी एंड सी. तो ये देखें, सी पार्ट में आपके पास ये ऑलमोस्ट बी ही की तरह है. यू आर गिवन फोर फैक्टर्स, सेम फैक्टर्स बट डिफरेंट. ये क्यों है? यहाँ कांस्टेंट है जबकि यहाँ कोई वेरिएबल यानी कि एक्स स्क्वायर है. इसमें आपके पास टाइप सी से रिलेटेड एग्जाम्पल 17 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे आपके पास वो जो फर्स्ट है x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, इसको तो बिल्कुल आपने सेकेंड टाइप की टाइप फोर पार्ट बी की तरह करना है कि 1 प्लस 6 जो है वो आप लिख सकते हैं और 3 प्लस टू. आप यहाँ जितना भी देखें 1 और 3 को करते हैं तब भी आपको एक ग्रुप नहीं देता, 2 और 6 करें तब भी, यहाँ कोई भी 2 करें वो आपको एडिशन में एक ग्रुप नहीं देते लेकिन डिफरेंस में आ सकते हैं. यानी 3 और 2 5, 6 और 1 का जो डिफरेंस है वो 5 होता है. तो यहाँ आपने सिंस नहीं लिखना बल्कि बस x प्लस 1 और x प्लस 6 यानी फर्स्ट और लास्ट को एक ग्रुप में कर देना है. x प्लस 2, x प्लस 3, इन दोनों को एक ग्रुप में करना है क्योंकि आपके पास इन दोनों का डिफरेंस 5 और इन दोनों का सम 5 है. तो यहाँ पे इनको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. सम एंड प्रोडक्ट मेथड अब मैं कर रही हूँ तो 6 प्लस 1 7x एंड 6 1 इज 6. दिस इज कॉल्ड सम एंड प्रोडक्ट मेथड. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 3 5x एंड 3 टूज आर 6 माइनस 3x स्क्वायर. अब जैसा कि मैंने आपसे कहा इसको कैसे करना है, x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस x वी गेट 7. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये 5 है तो हमने ये करना है प्लस 6x माइनस 1x प्लस 6 माइनस 3x क्योंकि प्लस 6 और माइनस 1x से हमारे पास आता है 5x. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको अरेंज करना होगा. x स्क्वायर प्लस 6x लिखने के बाद ये 6 को पहले लिखें, x को बाद में. यहाँ पे भी यही करना है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 पहले और माइनस x बाद में. ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट थ्री टर्म्स और ये फर्स्ट थ्री टर्म्स बिल्कुल एक जैसे हैं. सो लेट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू y. इसको y कंसिडर करते हैं, दैट मीन के वी कैन राइट y प्लस x इन टू वाई माइनस एक्स एंड माइनस 3x स्क्वायर बाई मल्टीप्लाइंग दीज टू. वाई को पहले y से मल्टीप्लाई किया, फिर y को x से, फिर x को y से एंड प्लस इन टू माइनस माइनस एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर. आपको ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं सो दैट के वी गेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर विच आर लाइक टर्म्स. माइनस 3 एंड माइनस 1 वी गेट माइनस 4x स्क्वायर. हेयर y इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर. इसको भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन. तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस 2x और y प्लस 2x आ जाएगा आपके पास. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y विच इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 प्लस 2x. बाय एडिंग लाइक टर्म्स वी गेट x स्क्वायर 6x एंड माइनस 2x प्लस 4x प्लस 6
x square 6 and 2 8x plus 6 and this is our answer. Students, I hope आपको ये clear हो गया होगा. आपने example इसकी ज़रूर practice करनी है और ज़रूर इन सारे questions को corpus में करना है. इंशाल्लाह we will continue this exercise in our next lecture. Stay home, stay safe. Thanks.